उत्तराखंड की मसूरी में पक्षियों की गणना का आयोजन वन विभाग की तरफ से किया गया। मसूरी वन्य जंतु विहार विनोग हिल में पक्षियों की गणना की गई। इस अभियान में 4 टीमों ने पक्षियों की गणना की और प्रजातियों की पहचान की। पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों की स्थिति को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से मसूरी वन्य जंतु विहार विनोग हिल में पक्षी गणना का आयोजन किया गया। इस गणना के बाद पक्षी विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि 85 प्रजाति के 1126 पक्षी दिखाई दिए। वहीं टीम के एक सदस्य ने बताया कि साल 2015 और 2019 में गणना की गई, जबकि कोविड काल में गणना नहीं हो पाई। हर साल गणना में कोई ना कोई नए चुनिंदा पक्षी मिल जाते हैं, लेकिन इस बार भी 2 पक्षी ऐसे मिले हैं जो पहले रिकॉर्ड में नहीं थे। ब्लैक एंड येलो ग्रासबीक मिला, वहीं लिटिल व्हाइट फ्लाई कैचर दिखाई दिए, जिससे पक्षी विशेषज्ञों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर पक्षी विशेषज्ञ रमन कुमार ने बताया कि पक्षियों की स्थिति अच्छी है। देखिए, पिछले सालों में भी मैं इस गणना का में प्रतिभाग लिया है, तो ये जानकर थोड़ा तसल्ली होती है कि स्थिति अच्छी है। जो पहले के हिसाब से जितना था 5-6 साल पहले, अभी भी मतलब बिगड़ी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी प्रजाति जो घटी हो या बढ़ी हो पिछले 5 साल में आपको नज़र आया? अमूमन तो थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है गणनाओं में साल दर साल, लेकिन मोटा मोटा लगभग वही है। वहीं DFO कहकशान नसीम ने ये बताया कि कोविड काल के बाद ये गणना की गई, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, और इसमें 2015 से लगातार बर्ड काउंट होता है, एक गर्मियों में एक सर्दियों में, और बीच में कोविड की वजह से 2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर से किया गया और अच्छे रिजल्ट आए हैं काफ़ी, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी ज़्यादा है और इंडिविजुअल जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या भी टोटल पॉपुलेशन अच्छी आई है। जैसे इस बार 85 लगभग स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की है डिफरेंट, और इसमें सबसे ज़्यादा स्लेटी हेडेड पैराकीट है। इससे एक ये भी है कि आसपास जो है बागानों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए वो पैराकीट जो है इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बता दें, मई के शुरुआत और दिसंबर के शुरुआत में पक्षियों की गणना का काम किया जाता है, जिसमें पक्षी विशेषज्ञ पक्षियों की पहचान करते हैं। कोविड के समय ये गणना नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के समय के बाद जब गणना हुई तो अच्छी खबर सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।